स्वागत है मेरी दुनिया में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेम्स न्यूज़ के एक और नए एपिसोड में, जहां मैं अल्फैस हर हफ्ते गेमिंग से जुड़े अपडेट्स लेके आता रहता हूं इसी मैडलवर्ल्ड चैनल पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों यहां पहला अपडेट है कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर की तरफ से। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो ये आपको एक्सबॉक्स सीरीज एक्स और सीरीज एस में करीब 190 GB स्टोरेज यूज़ करेगा। दोस्तों आप स्क्रीन पर एक पिक्चर देख सकते हैं जो रेडिट के यूज़र ने पोस्ट किया था, जिसमें हमें इस गेम के सारे फाइल्स का साइज़ पता चलता है। और अगर हम इन नंबर्स को ऐड करें तो ये करीब होगा 190 GB। दोस्तों यहाँ पर हाथ की बात ये है कि यहाँ प्लेयर के पास ऑप्शन होगा सिलेक्टिव पार्ट डाउनलोड करने का। दोस्तों आप इस तरह समझिए कि मान लीजिए आपको जॉम्बी मोड खेलना पसंद नहीं है, आप उसे खेलना नहीं चाहते हैं, तो आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको HD टेक्सचर या फिर रे ट्रेसिंग वगैरह नहीं चाहिए तो आप उस पार्ट को भी स्किप कर सकते हैं, जिससे आप अपने 50 GB सेव करेंगे। दोस्तों यहाँ अगला अपडेट है ट्विटर यूज़र फायर मंकी की तरफ से, जहाँ हाल ही में उसने ट्विटर पर एक पोस्ट डाला है जिसे देख के ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या एपिक गेम्स फोर्टनाइट गेम के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर सकता है। हालांकि दोस्तों इसी पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है, लेकिन एपिक गेम्स ने इस बारे में कुछ कहा नहीं है। दोस्तों जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जो फोर्टनाइट गेम का ये इमेज है, अगर इस डिटेल के बेसिस पर सब्सक्रिप्शन लगाया जाता है तो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि सब्सक्रिप्शन लेने वाले को लेटेस्ट फोर्टनाइट बैटल पास मिलेंगे, मंथली क्रू पैक और 1000 V-Bucks तक मिल सकते हैं। अब दोस्तों ये न्यूज़ कितना सच हो तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि पर मंथ का कॉस्ट तकरीबन $16 आ सकता है। दोस्तों यहाँ अगला अपडेट है साइबर पंक से रिलेटेड, जहाँ हाल ही में ही रूमर्स आ रहे थे कि ये गेम 2021 तक डिले होने वाला है, लेकिन इस रूमर पर CD प्रोजेक्ट रेड अपना जवाब दे दिया है और उनका यह कहना है कि ये गेम और डिले नहीं होगा और 10 दिसंबर को लॉन्च होगा। दोस्तों वैसे तो ये गेम बहुत बड़ा डिले हो चुका है और इन डिलेज को लेकर CDPR के पास इतना ही कहना था कि उन्हें गेम को एफिशिएंट बनाने को थोड़ा टाइम चाहिए था, ताकि ये गेम करेंट जेन और नेक्स्ट जेन कंसोल और PC में रन कर सके। यहाँ साइबरपंक ने अपने ट्विटर अकाउंट का हेडर इमेज चेंज कर दिया है, जिसमें साफ साफ 10 दिसंबर लिखा हुआ है, ताकि वो इस सबको प्रूव कर सके कि ये इस गेम का ऑफिशियल रिलीज डेट है। दोस्तों यहाँ अगला अपडेट है ब्लैक फ्राइडे सेल को लेके, और दोस्तों इसे बिगेस्ट शॉपिंग डेज ऑफ द ईयर कहा जाता है और ये चलने वाला नवंबर 24 से लेकर दिसंबर 1 तक, जहाँ हमको बहुत सारे सामान में कई ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलते हैं। और दोस्तों ये सेल इंडिया, UAE, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। दोस्तों ब्लैक फ्राइडे सेल एक बहुत ही अच्छा टाइम होता है नया PC या लैपटॉप लेने के लिए। और दोस्तों मैं आपको अपडेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस सेल में आपको गेम और गेमिंग इक्विपमेंट्स काफ़ी सही प्राइस में मिलेगी और साथ ही साथ एप्पल प्रोडक्ट्स भी। दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में नहीं मिलता है, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ और उस लिंक में आपको उन वेबसाइट्स के नाम मिलेंगे जहाँ पे आप इस ब्लैक फ्राइडे सेल का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरे दिए हुए लिंक पर भरोसा नहीं है तो आप खुद रिसर्च करके पता कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप शॉपिंग करने से पहले रिसर्च अच्छे से कर लें। दोस्तों यहाँ अगला अपडेट है इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स और एक्सबॉक्स की तरफ से, और यहाँ ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि जिनके पास एक्सबॉक्स गेम पास है उन्हें अब EA प्ले लाइब्रेरी फुल्ली अवेलेबल होने वाला है। दोस्तों यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स और माइक्रोसॉफ्ट के बीच एग्रीमेंट हुआ है, जिससे EA प्ले और एक्सबॉक्स गेम पास मर्ज हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जिसके पास गेम पास का सब्सक्रिप्शन होगा वो EA प्ले के सारे गेम्स को एक्सेस कर पाएंगे, वो भी बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट दिए। दोस्तों साथ ही यहाँ एक और अपडेट है कि जिस किसी के पास भी एक्सबॉक्स गेम पास का सब्सक्रिप्शन होगा वो EA प्ले के सारे गेम्स को PC से एक्सेस कर पाएंगे, और ये फीचर हमें 15 दिसंबर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ अगला अपडेट है NVIDIA और AMD से, जहाँ NVIDIA बहुत जल्द GeForce RTX 3080 Ti लॉन्च करने जा रहा है और ये लॉन्च करेगा जनवरी 2021 को, जिसमें हमें 20 GB की G6 मेमोरी मिलेगी। इसमें पहले के मुकाबले ज़्यादा कोर काउंट होंगे और इसका प्राइस तकरीबन इतना होगा कि ये AMD RX 6900 XT को टक्कर दे सके। दोस्तों AMD का ये कहना है कि वो बहुत जल्द RDNA 3 GPU लाने वाले हैं, जिसकी ग्राफिक्स पर वॉट कैपेबिलिटी RDNA 2 GPU से मैच करेगी और साथ ही इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी होंगे। दोस्तों ये स्टेटमेंट AMD के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रिक बर्गमैन ने बताया है, और उनका ये कहना है कि वो इस नेक्स्ट जेन GPU को Zen 4 CPU के साथ लॉन्च करेंगे। अब दोस्तों प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस को लेकर दोनों कंपनी के बीच टक्कर होने वाला है, अब देखना ये कि इसमें बाजी कौन मारता है। दोस्तों यहाँ अगला अपडेट है एक्सबॉक्स की तरफ से, जहाँ कुछ यूजर्स ने कंप्लेन किया है कि जब वो एक्सबॉक्स सीरीज एक्स और सीरीज एस में जब वो लॉगिन कर रहे थे तब बीच में कोई टेक्निकल इशू आ रही थी। इस कंप्लेन में माइक्रोसॉफ्ट ने यह कहा कि उन्हें इसके बारे में पता है और उनकी एक्सबॉक्स टीम इस इशू को फिक्स कर रही है। दोस्तों आप एक्सबॉक्स को ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं इस इशू से रिलेटेड अपडेट्स के लिए, या फिर उन्हें एक्सबॉक्स लाइव स्टेटस पेज में फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ अगला अपडेट है गॉड ऑफ वार और लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 के बारे में, और यहाँ ये रिपोर्ट निकल के आ रही है कि जिन यूजर के पास PS5 होगा उन्हें PS5 के डुअल सेंस फीचर की मदद से
उनका ये दोनों गेम खेलने का एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का होने वाला है। दोस्तों पहले बात करें लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 की, तो इस गेम में जब आप बो एंड एरो यूज़ करेंगे तो स्ट्रिंग खींचते वक्त आपको बो का टेंशन फील होगा, और वही जब आप एरो को रिलीज़ करेंगे तो आपको एक शॉक वेव फील होगा। दोस्तों ऐसा कुछ गॉड ऑफ वॉर में भी है कि जब आप लेविथन एक्स यूज़ करेंगे तो एक्स को थ्रो करते वक्त और एक्स को वापस बुलाते वक्त आपको एक कमाल का हैप्टिक फीडबैक मिलेगा। दोस्तों यहाँ अगला अपडेट निकल के आता है टेक टू इंटरेक्टिव की तरफ से, जहाँ वो डर्ट 5 के डेवलपर्स कोड मास्टर्स को एक्वायर करने जा रहे हैं। दोस्तों ये एक्विजिशन की बात बहुत पहले से चल रही थी, जिसके बाद कोड मास्टर 2K और रॉकस्टार गेम्स का पार्ट बन जाता। अब दोस्तों ये एक्विजिशन वाली बात तो कन्फर्म हो चुकी है, और सुनने में ये आ रहा है कि ये एक्विजिशन करीब 759 मिलियन पाउंड्स में होगी, यानी करीब करीब 994 मिलियन डॉलर्स। दोस्तों यहाँ फाइनल अपडेट है हैलो 4 की तरफ से, जहाँ 343 इंडस्ट्रीज ने ये कन्फर्म कर दिया है कि ये गेम अगले हफ्ते यानी 17 नवंबर को मास्टर चीफ कलेक्शन में आएगा, जिसके बाद आप इस गेम को PC में भी खेल पाएंगे। दोस्तों डेवलपर्स का कहना है कि ये आखिरी गेम होगा जो मास्टर चीफ कलेक्शन में ऐड होगा, और दोस्तों स्क्रीन पे आप जो वीडियो देख रहे हैं वो इसी हैलो 4 रिमास्टर का ट्रेलर है, और ये वीडियो YouTube पे भी अवेलेबल है, और आप इस वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ गेम्स न्यूज़, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और उसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप उसे नीचे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही गेमिंग से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए MyIntelWorld को सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें हमारे सारे सोशल अकाउंट फॉलो करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय भारत, सत्यमेव जयते।